वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सिंपल एंट्रीज और कंबाइन एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज जहाँ पे हमने दो लेजर थे जिसको हमने अकाउंटिंग किया, कंबाइन एंट्रीज जहाँ पे मोर देन टू लेजर्स होंगे उसको कंबाइन करके एंट्री कैसे करना है उसको हम चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी हम पेज नंबर 60 पे है और यहाँ पे उन्होंने दिया है कंटेंट अपने को, इट इज सिंपल एंट्री एंड कंबाइन एंट्री। सिंपल एंट्री एज अ सेड यू ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, सिर्फ दो अकाउंट रहेंगे इसमें और इसका एंट्री हो जाएगा। वन अकाउंट इज डेबिटेड, अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। फॉर टू ट्रांजेक्शन गिवन सिंपल एंट्रीज जर्नलाइज कैन बी एक्सप्लेन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मतलब अभी हम एग्जाम्पल चेक करेंगे जहाँ पे उन्होंने उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके दिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, जो हमने इसके पहले भी ऐसी इस टाइप के एग्जाम्पल्स ट्राई किए थे। कैश कम्स इन इंटू बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज गिवन द कैश। मतलब दो लेजर है, कैश एंड प्रोप्राइटर, राइट? और प्रोप्राइटर का जो लेजर उसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट, राइट? रिमेंबर माई 4 रूल्स ऑफ डूइंग जर्नल एंट्रीज। अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई 2 or more अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट, क्लासीफाई द अकाउंट एंड पास द एंट्री और अप्लाई द रूल, राइट? सो अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। सो कैश अकाउंट, कैश कम्स इन, कैश दो अकाउंट है, कैश एंड कैपिटल। कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। देखो, अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, देन सेकंड आइडेंटिफाई 2 or more अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट, क्लासीफाई द अकाउंट एंड अप्लाई द रूल। ये जब करेंगे तो अपने को एंट्री मिल जाएगा। तो कैश कैश कम्स इन, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, सो अकाउंट डेबिटेड कैश। एंड प्रोप्राइटर, ये जो पर्सनल अकाउंट है, इज अ गिवर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, राइट? सो उसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इज परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ रुपीज 20,000 फॉर कैश। कैश में हमने कंप्यूटर परचेस किया, सो एंट्री विल बी कंप्यूटर कम्स इन एंड कैश गोज आउट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? इसको बहुत अच्छे से हमने पुराने वीडियो में समझाया, इसलिए आई होप आपको ये अभी एंट्रीज पास करने आ रहे हैं। देन पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके? मतलब कैसे, वेजेस इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो वेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और इसको हम जर्नल बुक में इसी प्रकार लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 lakh 1 lakh, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 lakh 20,000 20,000 एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000 9,000, राइट? सो प्रैक्टिस के लिए अब ये जब एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे, इसमें कुछ कंबाइन एंट्रीज है जो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे फर्स्ट है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर्स 1st April 2029। सो 1st April में क्या हुआ, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। सो आपको पता है एंट्री होगी क्या, नरेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट? सो इसमें क्या होगा, अगेन जैसे अभी हमने अभी अभी डिस्कस किया था, इसमें होगा एक कैश अकाउंट एंड दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट, राइट? सो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड नरेंद्र का नाम तो नहीं लिखेंगे इसलिए हम इसको करेंगे कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दिस डेबिट एंड दिस क्रेडिट। समझ में आ रहा है? सो इसी प्रकार ये एंट्री नीचे किया है जिसको हम चेक करेंगे। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट 80,000 80,000। सेकंड इज परचेस गुड्स फ्रॉम किरण रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिखा है मतलब अपने क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे हमने पुरानी इसमें देखा था, ऑन क्रेडिट है तो अपने को किरण का नाम लिखना पड़ेगा, कैश है तो नहीं लिखने की जरूरत होती थी। सो परचेस गुड फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, सो एंट्री विल बी गुड्स अकाउंट डेबिट, राइट? या हम इसको परचेस अकाउंट भी कहेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। इसको हम चेक करेंगे नीचे, एक बार चेक करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट, और नरेशन लिखा है बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, राइट? सो नेक्स्ट, पेड रेंट रुपीज 2000, रेंट हमने पे की है। सो अगेन, विच टू अकाउंट्स आर देयर, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट इज अ एक्सपेंसेस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? चेक करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया है क्या? यस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड रुपीज 2000 2000। आई होप आपको एंट्री समझ में आ रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान देख ही करो। सोल्ड गुड्स टू विकास रुपीज 5500 ऑन क्रेडिट, जैसे परचेस था वैसे अपोजिट, विकास को हमने गुड्स बेचा। सो ये एंट्री को थोड़ा सा समझेंगे, ऑन क्रेडिट है तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, विकास है और सेल्स है, राइट? कैश नहीं है क्योंकि ऑन क्रेडिट है। सो विकास एंड सेल्स, सो विकास अकाउंट, विकास को हमने गुड्स बेचा, मतलब विकास इज अ रिसीवर, राइट? सो विकास अकाउंट डेबिट एंड सेल्स इज अ इनकम, डेबिट
नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. सेल्स इज द इनकम, सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये एंट्री को अगेन हम चेक करेंगे. 10 तारीख का एंट्री है, सोल्ड गुड्स विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बींग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. गेटिंग? नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट परचेस्ड फर्नीचर. परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट जीएसटी 18%. यस, अब यहाँ पे हम आएंगे. जीएसटी का ट्रीटमेंट हमने देखा था एंट्रीज का, जीएसटी का एंट्रीज कैसे करना है, राइट? फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे. परचेस्ड गुड्स, परचेस्ड सॉरी फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट 18% जीएसटी. इसको थोड़ा सा भी हम यहाँ पे साइड से लिख लेंगे, या बेटर मैं व्हाइट बोर्ड ही ओपन करता हूँ जहां से आपको इसको क्लियरली समझ में आएगा कि इसका एंट्री कैसे होगा. देखो, परचेस्ड फर्नीचर है, राइट? फर्नीचर कितने का लिया है? 30,000 का. जीएसटी कितना लगा है? 18%. तो 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी. ठीक है, उस वीडियो में देखो आप, जीएसटी में सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी सब कुछ समझा के बताया आपको, उसके एंट्रीज में बताया. तो 30,000 का 9% कितना होता है? 2,700. एंड 30,000 का 9% 2,700. ये हमने 30,000 का परचेस किया. परचेस कैसे किया हमने? क्रेडिट पे किया, कैश पे किया? एक बार चेक करते जाके, क्रेडिट पे किया या कैश पे किया इसको. स्क्रीन शेयर. परचेस फर्नीचर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये क्रेडिट भी हो सकता है या कैश भी हो सकता है. हम इसको कैश में ही लिखेंगे क्योंकि कुछ लिखा नहीं, तो हम इसको कैश कहेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है एक बार चेक करते हैं. फर्नीचर अकाउंट है, कितने का फर्नीचर? 30,000 है. जीएसटी सीजीएसटी एडजस्टिव हमने पे किया है, सो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी ये भी है और कैश भी है. इसका अमाउंट कितना है? 2,700 है. 2,700 है. अरे टोटल कितना होता है? कैश अपना कितना जाएगा? 30,000 पे जीएसटी लगेगा, राइट? सो 2,700 2,700 ये हो जाएगा 5,400, और ये 30,000 था, अपने को 35,400 पे करना है. देखो फिर से एक बार समझो, ये 2,700 2,700 कितने हो गए? 5,400. ये 5,400 प्लस अपने को ये 30,000 फर्नीचर का, ऐसे अपने को टोटल 35,400 पे करना है. ओके, सो दिस कैश यू आर पेइंग 30,400. नाउ हम इसको भी अंडरस्टैंड तो हो गया ट्रांजेक्शन, नाउ आइडेंटिफाई भी हो गए मोर देन टू और मोर अकाउंट इन्वॉल्व. अब इसको क्लासिफाई करेंगे. फर्नीचर रियल अकाउंट, सीजीएसटी एडजस्टी एक्सपेंसेस है तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. सो अप्लाई द रूल, फर्नीचर कम्स इन, राइट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे. क्यों? रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट? सीजीएसटी एडजस्टी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. सो एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट. एंड कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश गोज आउट. सो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, 9% सीजीएसटी 2,700, 9% एसजीएसटी 2,700, एंड कैश 35,400. ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसी प्रकार से एंट्री किया है क्या फर्नीचर का. यस, फर्नीचर रियल सीजीएसटी नॉमिनल नॉमिनल एंड दिस. अब हमने इनपुट सीजीएसटी लिखा यहाँ पे. इनपुट क्यों लिखा? क्योंकि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, माल गुड्स अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग इन, दैट्स व्हाट इज अ इनपुट. जब सेल करेंगे तो गोइंग आउट, दैट्स व्हाट इज अ आउटपुट. ठीक है, सो इस प्रकार की इसका एंट्री होगा. नेक्स्ट इज व्हाट? रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम विकास. ये बेरर चेक क्या होता है? टाइप्स ऑफ चेक में हमने डिस्कस किया है. बेरर चेक होता है जिसपे जिसके हाथ में पैसा चेक होगा उसको पैसा मिलेगा. ओके, सो इट इज एज गुड एज रिसीव्ड एज अ कैश. सो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि कैश रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम विकास. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट. कैश कम्स इन एंड विकास इज अ गिवर. 18 नंबर देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट. ओके, देन नेक्स्ट, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000. किरण को हमने 20,000 का देना बैंक का चेक दिया, तो चेक दिया, राइट? सो बैंक से पैसा जाएगा. सो एंट्री विल बी किरण को मिलेगा, किरण विल बी रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर, किरण अकाउंट डेबिट, एंड बैंक से पैसा जाएगा रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट. किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट. एंड लास्ट इज पेड सैलरी ₹5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ये तो सिंपल है, राइट? समझ में आ रहा है आपको ये, राइट? थोड़ा सा इन्होंने कुछ नोट लिखा है यहाँ पे. एंट्री नंबर 18, बेरर चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम विकास.
बेरर चेक मिला है। बेरर चेक रिसोर्ट इज ट्रीटेड एज अ कैश रिसोर्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। सो ये हमने एंट्री पास किया। एंड द 21st को क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 पेड बाय देना बैंक टू किरण, हमने चेक दिया देना बैंक का, मतलब बैंक से पैसा जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। तो देखो कंबाइन एंट्रीज आपको आपको समझाना था, ये कंबाइन एंट्री हमने यहाँ पे पास किया है ऑन 15th ऑफ अप्रैल ऑन स्पेसिफिक डेट, जहाँ पे हमने 3 अकाउंट को डेबिट किया और 1 अकाउंट को क्रेडिट किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज अ डिस्काउंट वाला पार्ट। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।